कलेक्ट्रेट में कुपोषण अभियान के तहत आयोजित कार्यशाला में शामिल हुए एमपी, एमएलए व डीएम जिले को कुपोषण मुक्त करने के सुझाव दिए। राजगढ़ जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय में गुरुवार को जिला महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कुपोषण मुक्त अभियान के तहत जिला स्तरीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें राजगढ़ सांसद रोडमल नागर, राजगढ़ विधायक बापू सिंह तनवर, कलेक्टर हर्ष दीक्षित, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी सुनीता यादव व जिले के राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों के साथ प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार उपस्थित रहे। उक्त कार्यशाला में राजगढ़ सांसद रोडमल नागर, विधायक बापू सिंह तनवर व कलेक्टर हर्ष दीक्षित सहित जिले के जनप्रतिनिधियों ने जिले को कुपोषण मुक्त करने हेतु अपने अपने सुझाव दिए, जो कि इस प्रकार है। अभी हम बात करें कि कुपोषण के अगर प्रभाव क्या होंगे, तो सबसे सीधा बच्चा रोगों से लड़ने की क्षमता खो बैठता है, उसके बॉडी में संक्रमण बढ़ जाता है। सर, हम तो एक ही उदाहरण देते हैं कि जब गाय को पाड़ा होता है, बच्चिया होती है, तो गाय बोलती है कि माँ का दूध ला के दो, सबकी प्रकृति। तो हम लोग क्यों उनका दूध लेने जाते हैं, वो हमारा दूध नहीं लेते। तो सर ये चीज है, ये हम सर ये प्रेजेंटेशन के में इतने बारे पॉइंट पे नहीं गई, क्योंकि हम अच्छा है बाद में जब फिर आप जब प्रेजेंट होते हैं तो कई बार उसी में कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाते हैं, कई बार इसी वजह से मैट मॉर्टिलिटी होती है या माता की भी और तो बहुत केसेस हो रहा है, लेकिन जैसे भी होते हैं माता की मृत्यु हो रही है या बच्चे की मृत्यु हो रही है। तो हमारा ये प्रयास है कि उनका हम 16 साल से लेकर 22 साल में अगर कैप्चर कर लेते हैं, उनमें से एटलीस्ट इंश्योर कर लें कि 10 के नीचे एज की वाली कोई महिला ना रहे, वो जब भी आगे जाके अभी 1 साल 2 साल 4 साल 5 मतलब वो एक ऑब्वियसली कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगा। और इसमें हमारा ये भी कि जैसे देखो अभी 7 के नीचे वाला दिया, उनको ट्रीटमेंट दिया, उनका फर्दर 2 महीने बाद दोबारा उनकी जाँच करेगी कि वो 7 के नीचे से बढ़ते हुआ 9 हुआ 8 हुआ या 7 के नीचे अभी भी फंसा हुआ है। इसी तरह से जो 7 से 9 वाले हैं उनका भी 2 महीने बाद दोबारा जाँच, वो एक रेगुलर लगातार हमारा प्रोग्राम है उनके बीच में जाकर उनका।